आज आपको मेरे घर का होम टूर करवाया जाएगा। कैसे कैसे हो? मैं तो बोल नहीं सकता। सत्या की चीज यहाँ पर सच्चाई को छुपाने के लिए हमने सच्चाई पे पर्दा लगा दिया। बाकी यहाँ पर गणपति बप्पा मोरिया, वोट शफीक को दीजिएगा अगर आप यूपी से हैं तो। यूं समझ लो आधे पेटी से भी ज्यादा का खर्चा हुआ हुआ है। हेलो नमस्कार, कवला मेरे है, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। घर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि इतना कंप्लीट हो चुका है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। छुटके फुटके काम है, वो ऐसे धीरे धीरे चलते रहेगा क्योंकि उसको टाइम भी लगेगा, उसके उसके पीछे सोच की जरूरत होगी, आइडियाज की जरूरत होगी। वो काम आप कह सकते हैं लाइटिंग वाला काम, अभी जो आप पीछे देख रहे हैं झिलमिल, इधर पे एक लाइट देख रहे हैं, इधर पे एक देख रहे हैं, देन वहां देख रहे हैं, तो ये लाइट का ना ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, मतलब मैं लाइट में भी स्टोरी ढूंढ रहा हूँ। आज आपको मेरे घर का होम टूर करवाया जाएगा, जो भी चेंजेस हुए हैं एक्सप्लेन किया जाएगा, तो उसको हेल्प करने के लिए हमारे साथ। हेलो, कैसे हो? मैं तो बोल नहीं सकता लेकिन बोल दिया कैसे हो पूनम ने ना एक ऐसे टर्म को कॉपीराइट करवाया है जो बहुत ही जेनरिक है, हर कोई बोलते हैं। तुम अगर कैसे हो बोल रहे हो तो ये मत समझना कि तुम पूनम को डायलॉग बोल रहे हो, लेकिन वो टोन में बोलोगे अगर कैसे हो तो पूनम का कॉपीराइट आता है दोस्त। कैमरे का दारोबार संभालेंगे हमारे आर्या उपाध्याय। ओके, शुरू कहां से करें दोस्त, कहां से शुरू करें? तो सबसे पहले मैं आपको ना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये है वॉल ऑफ फेम ऑफ MSK। इसमें मेरी जिंदगी का सारा सारांश है, मतलब यहां पर मेरे अचीवमेंट्स होंगे, यहां पर मेरे, मुझे फिल्में बनाना अच्छा लगता है तो फिल्मों से रिलेटेड चीजें यहां पर होगी, मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है तो बाइक चलाने से, ये राइडिंग से रिलेटेड जियर्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं वॉल ऑफ फेम, इसका इजाद हुआ था 2016 नवंबर में, इसी मंथ में इजाद हुआ था। एक मिनट देख के बताते हैं, अगर कोई चीज मैं भूल रहा होता हूँ और कोई चीज आपको बतानी है तो मेरे पास मेमोरी लॉग है, मेरा यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने सारा जितनी भी एक्टिविटी जिंदगी में की हुई है ना वहां पर है। 18 नवंबर 2016 को वॉल ऑफ फेम का कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में इजाद हुआ था। पहला वर्जन जो था बहुत ही बेसिक था, उसमें मोटिवेशनल कोट्स थे, बॉलीवुड फिल्म जो मुझे पसंद थी उसके पोस्टर्स मैंने लगाए थे। बॉलीवुड इसीलिए क्योंकि काफी करीब हूं मैं बॉलीवुड से, मूवी इंडस्ट्री से, वहां पर मोटिवेशनल कोट्स और जो भी मेरी जिंदगी उस वक्त दिखा करती थी वहां पर मैं दीवार पे मेरे वॉल ऑफ फेम पे लगाया था। वॉल ऑफ फेम का जो वर्जन 2 बना था वो बना था इसी कमरे में जून 2019, मतलब वर्जन 1 के 2 साल बाद। वर्जन 2 के 2 साल बाद वर्जन 3 बना था वॉल ऑफ फेम का। तो ये आप जो देख रहे हैं ये है वर्जन 3 का अपग्रेड। शुरू करते हैं ये वाले कोने से, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कबर्ड है ये बाहर हुआ करता था, अभी यहाँ पर है। यहाँ पर एक टेबल हुआ करता था और एक शीशा हुआ करता था, वो हमने निकाल दिया। पहले तो इस घर का जो कलर है वो हमने चेंज किया, पहले यहाँ पर ऑयल पेंट लगा था और वो कोई अलग ही पीलिया अलग ही कलर का दीवार था, तो व्हाइट लगाने से काफी फायदा होता है, आपके कलर्स उठ के दिखते हैं, इसीलिए मतलब अभी हमने ये व्हाइट रखा है। इसके ऊपर किताबें हैं और ये मेरे मोटिवेशनल कोट्स जो कि काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, कभी कभी ये हिल डुल जाता है यहाँ वहाँ। यहाँ से थोड़ा लेफ्ट लेके आएंगे तो ये वॉल ऑफ फेम जिसको मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया आपको, ये वॉल पेपर है और पहले आप देखेंगे ये वुडन का था, अभी हमने इसके ऊपर वही सेम वुडन को हमने सनमाइका लगाया है। यहाँ पर वही सेम चीज हमने की है कि व्हाइट सनमाइका लगा के इसको थोड़ा अलग फील देने का कोशिश किया है। कभी भी हम कुछ करते हैं ना तो एक थीम फॉलो करते हैं, कलर थीम। इसका जो कलर थीम है वो ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे के हिसाब से कलर वालर भी अपने को थोड़ा सेट करना होगा, तभी पता चलेगा कि क्या एक्चुअल थीम रखा जाए, क्या स्टोरी रिप्रेजेंट कर रहा हो। बिकॉज वॉल ऑफ फेम, द वॉल ऑफ फेम, वॉल ऑफ फेम का कुछ हिस्सा वाले वॉल में भी आया है। मैं सोचा था कि ये दो हमारे बटन, अनमोल रतन, सिल्वर बटन, गोल्ड बटन यहां लगाऊंगा, बट यहां पर वॉल खाली था, खाली वॉल अच्छा नहीं लगता इसलिए इसको यहां लगा दिया। यहाँ पर अपना बेड है, ये जो चीज आप देख रहे हैं नीचे इसका स्टोर मैनेजमेंट अभी होगा, मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट, ये भी शायद हिलडुल सकता है, लाइट का भी कुछ होगा, गॉट इट। अभी हम बात करेंगे आज के टाइम का सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, विच इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर इंडिया में अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं पास हुआ है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी फिलहाल अभी इंडिया में लीगल है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना हो, बेचना हो या होल्ड करना हो, उसके लिए आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म, और आज मैं आपको इंडिया का सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐप प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ, विच इज CoinDCX, क्योंकि फ्यूचर यही है। CoinDCX ऐप पे ट्रेडिंग, ऑनबोर्डिंग बहुत ही इजी तरीके से होता है, चाहे आप नए कस्टमर हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो, और यहाँ पर जितने भी क्रिप्टो
फोटोज होते हैं वो क्वालिटी चेक किए हुए होते हैं। ये ऐप ना काफी सिंपल है, बस डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, केवाईसी कंप्लीट करना है, बैंक अकाउंट लिंक करना है, दैट्स इट। मिनिमम 100 रुपीज डिपॉजिट करके आप शुरू कर सकते हो और मिनिमम 10 रुपए से आप क्रिप्टो करेंसी खरीदना शुरू भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके सारे पैसे सेफ एंड इंश्योर्ड होते हैं। यहाँ पर ना सेफेस्ट एक्सचेंज होता है विद मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स जैसे 2FA, विड्रॉल पासवर्ड फीचर्स। यहाँ पर इंस्टेंट विड्रॉल होता है, डिपॉजिट होता है 24/7। कॉइन DCX ISO सर्टिफाइड है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं जैसे KYC, AML प्रोसीजर्स। अगर आप मार्केट में नए हो और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन कॉइन DCX ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, DCX लर्न प्लेटफॉर्म। उसमें आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉइन DCX का लिंक है, डाउनलोड करके अगर आप साइन अप करते वक्त मेरा कूपन कोड MSK100 यूज करते हो तो आपको 100 रुपीज का बिटकॉइन मिलता है आपके अकाउंट में। और एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर चल रहा है, आप हर दिन 50 लाख रुपए का बिटकॉइन जीत सकते हैं। तो देर किस बात की, कॉइन DCX ऐप को डाउनलोड करो, इन्वेस्ट करो, बिकॉज फ्यूचर यही है। ये वॉल पे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर ने हमें फ्रेम्स दिए थे वो सारे फ्रेम्स मैंने यहाँ पर लगाए थे, बट वो सारे फ्रेम्स मैंने निकाल के सिर्फ एक फ्रेम रखा है ताकि वॉल एकदम से भरा भरा ना लगे, मिनिमलिस्टिक लगे। जितना भी डिजाइन मैंने बनाया कोशिश ये किया कि इसको मिनिमलिस्टिक रखें। यहाँ पर पर्दे हमने चेंज किए, रेड कलर के पर्दे थे, ऑरेंज कलर के पर्दे थे, वो चेंज किया गया है। और ये जो है जैसे वॉल ऑफ फेम है, इसका नाम मैंने नहीं सोचा है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मेरा ना बहुत टाइम से, जैसे मैंने कॉलेज खत्म किया फिर अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया था, उस वक्त मैंने एक ख्वाब बनाया था कि मेरा खुद का एक क्लोदिंग ब्रांड होगा। और मैंने ये सोचा था उस वक्त कि जो क्लोदिंग ब्रांड मेरा होगा वो क्लोदिंग ब्रांड के जितने भी मर्च होंगे, जो फेमस फेमस टी शर्ट्स होंगे, वो टी शर्ट्स ऐसे लाइन से लगेंगे। यहाँ पर हमारे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जारा, H&M, मोडा रैपिडो और बोश का की दे रहे हैं ये वाला है ना। तो जितने भी अपने फेवरेट ब्रांड्स के टी शर्ट वर्ट थे जो मैं पहनता भी हूँ वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। एक दिन इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा, भगवान ने चाहा तो यहाँ पर हमारे मौज ऐसे लटक रहे होंगे। तो जहाँ पर मेरा वॉल ऑफ फेम होगा उसके बाजू में ये एक नाम मैं सोच रहा हूँ कि इसको, इस कॉन्सेप्ट को नाम दो, क्योंकि ये बढ़ेगा। अभी तो बहुत छोटा है, काफी सारी तब्दीली आएंगी, ये version 1 है, इसके versions आएंगे काफी। तो थोड़ा सजेस्ट करो ये जो चीज है इसको क्या किया जाए। नीचे अगर आप देखोगे नीचे है कारपेट। पहले जो हमने कारपेट लिया था वो कारपेट काफी पतला सा था और हमने सोचा था कि अरे 6 महीने तो रहना है हमें यहाँ पर, तो कारपेट पे क्यों खर्चा करते हैं, सस्ते में 3-4 हजार में हमने लगा दिया था। लेकिन ये वाला जो कारपेट लगाया है हमने मार्बल फिनिश का, ये कारपेट के लिए काफी खर्चा हुआ है और ये काफी अच्छी क्वालिटी। ये जो हमने कारपेट लगाया है, ये कारपेट पूरे घर में, ये चीज जो है बस आपको इसको इग्नोर करना है, ये परमानेंट नहीं है, ये निकल जाएगा, ये पूरा टेबल भी निकल जाएगा। यहाँ पर अपना एक जिम हुआ करता था, जगह की कमी की वजह से वो जिम का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने देखा वॉल ऑफ फेम, जैसे आपने देखा क्लोदिंग ब्रांड वाला, वैसे ही ये भी है कि मेरा खुद का जिम हो जहाँ पर मैं खुद जाके जिम करूँ। ये जो इंस्पिरेशन आया था, ये जो हमारे मूवी स्टार्स हैं उनको देख के आया था कि उनके घर में एक जिम होता है, वो लोग जिम करते हैं। इमेजिन करो कि एक कमरा होगा जहाँ पर अपना जिम होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सब अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसमें मेरा गेमिंग चेयर, गेमिंग पीसीस, एवरीथिंग, पॉडकास्ट माइक वाइक, सब जो भी हमने यहाँ पर काम करने से पहले आपको बताया था वो। छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती रहती है। जो इस घर में जो चीज खटकती है ना वो ये जो चीज है, ये सब दरवाजे पे है, ये सनमाई का जो लगाया हुआ है, ये जम नहीं रहा है, इस थीम के साथ जा नहीं रहा है, बट घर में ऑलरेडी हमने काफी खर्चा किया हुआ है, यूं समझ लो आधे पेटी से भी ज्यादा का खर्चा हुआ है। तो ये मतलब और खर्चा करे इसीलिए हमने नहीं चेंज किया। ये वॉल पे हमने कुछ नहीं किया, बस एक शिवाजी महाराज का फोटो हमने वहां पर रखा है। यहाँ पर हमारे ऑफिस के सारे दस्तावेज, ऑफिस के कुछ सामान, पैकिंग वैकिंग, शिपिंग से रिलेटेड जो भी चीज होती है यहाँ पर होती, ऊपर वाला शफीक को दिया गया ताकि शफीक अपने कपड़े रखें। और शफीक अभी गया हुआ है यूपी, काफी टाइम से गया हुआ है, अभी तक आया नहीं है, आएगा, बोल रहा थी इसको आएगा। एक्चुअली शफीक यूपी इसीलिए गया था बिकॉज वहां पर भी इलेक्शन होने वाला है ना, तो वो कैंडिडेट बनके वहां पर इलेक्शन लड़ेगा एंड नेता बनेगा शफीक। वोट शफीक को दीजिएगा अगर आप यूपी से हैं तो। ओके, मजाक कर रहे हो, मैंने सीरियसली ले लिया, क्या बोल रहे हो, इलेक्शन लड़ रहे हो? नहीं ना, वोट। ये हमारा ऑफिस डेस्क है जहां पर गौरव शफीक बैठ के काम करते हैं। ये जो है ये चेंज होगा बिकॉज ये लकड़ी बहुत पुराना है, ये पहले टाइम से हमारे पास है, इसको हम चेंज करके इसका कुछ अच्छा लाएंगे। यहाँ पर भी ऑफिस वाले सामान है एंड देन उनके लिए मैंने ये चीज रखी थी। बाकी यहाँ पर गणपति बप्पा मोरिया। हॉल से भी हम आते हैं ये वाला एरिया, इसके पीछे थोड़ा हमने स्टोरेज बनाया हुआ है, आपको दिखे ना, इसलिए हमने सच्चाई पे पर्दा लगा दिया है, सच्चाई व्लॉग है इसके पीछे। ये भी एक स्टोरेज है जहां पर हमारे ऑफिस के सारे सामान वामान है। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर सारे धोने वाले कपड़े हमने रखे हैं, ये चले जाएगा इस दुनिया से, ये गायब हो जाएगा, इसका अंतिम संस्कार होने वाला है। अब आता है हमारा
किचन में भी सेम वही था, मतलब यहाँ पर हमने दो शेल्फ बनाए थे बट ये वुडन फिनिश के थे, हमने इस पे सनमाइका लगाया वुडन फिनिश वाला, और ये यहाँ पर सारे मेरे माई प्रोटीन्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पर नमक वमक जो भी है। इसका मतलब सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब आप देखोगे यहाँ पर ये वर्किंग कंडीशन में, जो कारपेट हमने नीचे लगा था वही कारपेट यहाँ पर है। नीचे जो है वो स्टोरेज है, सच्चाई को छुपाने के लिए हमने सच्चाई पे पर्दा लगा दिया, गंदा दिख रहा था वो, तो उसको कैसे अच्छा बनाया जाए वो हमने जुगाड़ किया। और ये जो घर है ना, ये अंग्रेजों के जमाने का घर है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, लेकिन जितना हो सका उतना करके इसको खूबसूरत बनाने की हमने कोशिश की है। आजकल जो मॉडर्न हाउस होते हैं उसमें ये सारी फैसिलिटीज होती है कि नो तुम एक जगह पे ये करो वो करो, लेकिन पुराने होते हैं इनका घर का शेप ही अलग है। बालकनी। अब आपको ले चलते हैं बालकनी में। आओ, बालकनी में हमने कारपेट नहीं लगाया, बालकनी को ऐसे रहने दिया बिकॉज बारिश का पानी बालकनी में आता है, तो बालकनी में हमने खर्चा नहीं किया है, बट बालकनी साफ सुथरी है। बालकनी में क्या होगा, बालकनी में हमारी साइकिल होगी और भी कुर्सी उर्सी भी रखेंगे कभी। बालकनी का प्लान ये था कि यहाँ पर हम प्लांटेशन करेंगे, प्लांटेशन का एक चल रहा है, सारे प्लांट हमारे सूख गए। मोन्जॉय ये अपने को दिया था सत्या ने, सत्या की चीज यहाँ पर हमने रखी है खुली हवा में। हमारा मनी प्लांट था जब काम काज हम कर रहे थे, उसमें मनी प्लांट हमारा सूख गया, ये प्लांट थे सारे पत्ते पे इन्होंने कलर लगा दिया है। ये घोड़ा बड़ा काम का घोड़ा है। ऑलराइट, तो ये था हमारे पुराने घर के नए वर्जन का टूर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब कहना थोड़ा बहुत काम बचा है, जैसे चेयर से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, ये सब के लिए ना थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे हम इसको करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ कि आईकिया जाऊं, थोड़ा वहां से आइडिया चुराऊं और उसको अपने घर में इंप्लीमेंट करें। और हाँ, कॉइन डीसीएक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। बाकी सब एकदम बढ़िया है। अगर आप यहाँ पर नए हो, आपको मेरे वीडियो बनाने का स्टाइल अच्छा लगता है, मैं अच्छा लगता हूं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे का बटन जरूर दबाएगा। जितने लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है ना, घंटे का बटन दबा देना, मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। पता है कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो नहीं आया, जो लोग ऐसे बेल आइकन दबा करते हैं उनके पास पहले पहुंच जाता है, यूट्यूब थोड़ा बाद में अपडेट करता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए and ज़्यादा अच्छे लगे तो शेयर कर दीजिएगा। Thank you for being part of it. I'll see you in the next logo. बड़े किरकुदा ऑफिस. Live life, live a dream. Boom. Fame का नया वर्जन, पूरा घर क्या? ऐसे खुद के boom करने आ रहा हूँ। मैं सोच रहा कि तुम कर क्या रहे हो वहाँ पर?